नए कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद किसान के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन पर कसा शिकंजा। सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के चलते अपना जन्मदिन नहीं मनाने का लिया निर्णय। लगातार दूसरे दिन कोहरे ने किया परेशान, सड़क और रेल यातायात पर असर। विपक्षी दलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैलाना चाहता है विपक्ष। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड T20 लाज बचाने उतरेंगे मेजबान। मैगजीन पर छपी इस बोल्ड फोटो ने मचा दिया था तहलका। बिकनी पहने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस थी शर्मिला टैगोर। अब 12 से 15 दिसंबर तक होगी हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता की परीक्षा। नवादा में ऑफलाइन जाति आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन काउंटर बंद होने से छात्र हो रहे हैं परेशान। MIQLED TV 4K भारत में 16 दिसंबर को होगा लॉन्च, कंपनी ने किया खुलासा। कभी भी ट्रेन की यात्रा न कर सके छात्रों के लिए स्कूल में ही बनी रेलगाड़ी। कुछ ही पलों में देखे कैट परीक्षा, आसार की ओर रिस्पॉन्स सीट पर कर सकेंगे चेक। NPS खाता खुलवा सकते हैं ऑनलाइन। भारत बंद को देखते हुए एयर इंडिया का अहम ऐलान, आज एयरपोर्ट पहुंचने में हुई देरी तो मिल सकती है छूट। बैंक कर्मी भारत बंद में नहीं होंगे शामिल, लेकिन किसानों के प्रति जताई एकजुटता। SBI में बच्चों के लिए खुलवा सकते हैं खाता। भारत में कोरोना वायरस की मंद हो रही रफ्तार, 24 घंटे में सिर्फ 26,567 नए मामले। सर्दी बढ़ने के साथ साथ आज कई राज्यों में कोहरा और स्मॉग से हुई सुबह। इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा बिक रही हैं हाइब्रिड कारें। इंडोनेशिया में चीनी कोरोना वैक्सीन के लिए जारी हो सकता है हलाल सर्टिफिकेट। केरला में सुबह 9 बजे तक 7.5% मतदान हुआ। कनाडा समेत कई विकसित देश भारत में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का करते हैं विरोध। सरहद पार पहुंची भारत के किसान आंदोलन की आवाज। ब्रिटिश टापू की तरफ बढ़ रहा दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग। फ्लिपकार्ट की मोबाइल बोनांजो सेल शुरू हुई।